हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सिर्फ तीन चीज़ों से बिल्कुल मार्केट के जैसा क्रीमी कंसिस्टेंसी वाला कंडेंस मिल्क। फ्रेंड्स, जो हम पैकेट वाला कंडेंस मिल्क जो मार्केट से लेके आते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही क्रीमी कंसिस्टेंसी का कंडेंस मिल्क आज मैं आपको घर पर बनाना बताऊंगी। आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल मार्केट के कंडेंस के मिल्क जैसी है। ये देखिए, आप इसको फ्रिज में रख के स्टोर करके आप इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको आइसक्रीम में या किसी भी शेक में या किसी भी फलूदा वगैरह में आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे चाहे आप इसकी मिठाइयाँ भी बना सकते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो आप एक और इस तरह से बना के आप इसको फ्रिज में स्टोर करके बहुत सारी चीज़ें आप इससे बना सकते हैं। तो चलिए झटपट से मार्केट जैसा एक कंडेंस मिल्क बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये 500 ग्राम फुल फैट दूध लिया है। अगर आपके पास पैकेट वाला दूध है तो आप पैकेट वाला भी ले सकते हैं, बट जो भी दूध आप इसमें यूज करें वो फुल फैट होना चाहिए, तभी हमारा जो कंडेंस मिल्क है बिल्कुल मार्केट के जैसा क्रीमी बनेगा। और 500 ग्राम दूध के लिए मैंने यहाँ पर ये 100 ग्राम चीनी ले ली है। इसका माप हमें इसी तरह से करना है। तो ये मैंने यहाँ पर 100 ग्राम चीनी ली है। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर ये बेकिंग सोडा ले लिया है। ये देखिए, बिल्कुल हमें सिर्फ तीन चीज़ों की इसमें ज़रूरत होती है, बहुत ही बढ़िया मार्केट जैसा कंडेंस मिल्क बनके तैयार हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो अब हम गैस ऑन करके एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम ये सारा दूध डाल देते हैं। आपको जितना भी कंडेंस मिल्क बनाना है उतना दूध आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब हम एक स्पैचुला की हेल्प से दूध को इस तरह से मिक्स कर देते हैं। अभी हम इसे एक बॉयल आने देते हैं। तो गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और उसमें एक अच्छे से बॉयल आने देते हैं और बीच में हम इसको इस तरह से थोड़ा सा स्टर्न करते रहेंगे ताकि तले में चिपकेगा नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पर दूध में अच्छे से बॉयल आ चुका है। जैसे ही दूध में बॉयल आ जाएगा गैस का जो फ्लेम है हम मीडियम कर देंगे। अब हमें दूध को इतना पकाना है कि ये दूध आधा हो जाए, यानी कि गाढ़ा जैसा हो जाए। तो इस तरह से हम साइड से इसको क्लीन करते रहेंगे। इसमें हमें मलाई नहीं पड़ने देनी है, थोड़ा सा हम इसको इसी तरह से क्रीमी रखेंगे और अच्छे से हम इसको इस तरह से मिक्स करते रहेंगे। तो साथ ही साथ हम इसमें ये चीनी भी डाल देते हैं और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं। मीडियम फ्लेम पर हम इसको इसी तरह से चलाते हुए पका लेते हैं जब तक ये दूध जो है थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए और क्वांटिटी में भी थोड़ा सा कम ना हो जाए। तो बीच बीच में बस हमें इसको चलाना नहीं भूलना है, तभी हमारा जो कंडेंस मिल्क है वो थोड़ा सा क्रीमी बनेगा। अगर इसको हम नहीं चलाएंगे तो साइड से जो मलाई है वो जम जाएगी, फिर हम इसको इस तरह से हिलाएंगे तो उसकी जो खुरचन बन जाएगी उसमें, क्रीमी नहीं बन पाएगा, खुरचन जैसा बन जाएगा। जिस तरह से जो मलाई होती है वो उसमें दिखती है ना, वो नहीं चाहिए हमें इसमें, हमें बिल्कुल क्रीमी बनाना है इसको। तो इसको हमें लगातार चलाते ही रहना है। तो ये देखिए, यहाँ पर दूध को मुझे पकाते पकाते टोटल 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, दूध जो है क्वांटिटी में कम हो गया है। पहले दूध इतना था, इतना देखिए आप देख सकते हैं, अब ये दूध इतना हो गया है। और मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा ये गाढ़ा भी होता जा रहा है। ये देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कंडेंस मिल्क बाजार में जो मिलता है ना, बिल्कुल उसी तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होती जा रही है। और मैंने इसको लगातार चलाते हुए पकाया है तो आप देख सकते हैं ना, तो इसमें कोई भी मलाई है ना ही कोई लम्स है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर वाला ये हमारा कंडेंस मिल्क बन रहा है। ये देखिए, तो इसी तरह से हम इसको और भी ज़्यादा पकाएंगे, अभी और भी ज़्यादा इसको थोड़ा सा थिक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये पतला है, यानी कि नॉर्मल जो कंडेंस मिल्क मार्केट वाला आता है ना, थोड़ा सा क्रीमी जैसा होता है वो, गाढ़ा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है वो, बिल्कुल क्रीम जैसा होता है, बिल्कुल वैसा ही हमें इसको बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो अभी हमने बेकिंग सोडा लिया है उसको भी हम इसमें डाल देते हैं, इसको हम इसमें मिला देते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है, इसमें झाग बनने स्टार्ट हो गए हैं और ये थोड़ा सा ऊपर आता जा रहा है। तो इसी तरह से अब हम इस टाइम पे हम इसको लगातार चलाएंगे, एक मिनट के लिए भी हमें इसको लगाना नहीं छोड़ना है इस तरह से। तो इसको हम इसी तरह से चलाते रहेंगे, जब तक चलाएंगे जब तक ये बिल्कुल पूरी तरह से थिक जैसा ना हो जाए, यानी कि क्रीमी टेक्सचर वाला ना हो जाए और इसमें जो भी झाग दिख रहे हैं वो भी इसमें से थोड़े से कम ना हो जाए। इस जो बेकिंग सोडा हमने डाला है उसकी वजह से आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर, थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाएगा। तो इसी तरह से हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए और पकाएंगे।
तो ये देखिए यहाँ पर इसको टोटल पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए आप इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल क्रीमी हो गया है, एकदम गाढ़ा बन गया है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया इसमें थिकनेस आ गई है। अब हम इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे, नहीं तो क्या होगा कि ठंडा होने के बाद भी और भी ज़्यादा थिक होगा, तो बहुत ज़्यादा थिक बन जाएगा ये। तो बिल्कुल इसी तरह का हमें इसको रखना है। अब हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं और गैस को ऑफ करने के बाद भी हमें इसको 2 मिनट के लिए इसी तरह से लगातार चलाते हुए रहना है। जैसे हम गैस ऑफ करेंगे उसके बाद हमें इसको तुरंत नहीं छोड़ना है, नहीं तो क्या होगा कि साइड से थोड़ा थोड़ा सा चिपकने लगेगा, तो मलाई जैसा बन जाएगा। हमें बिल्कुल क्रीमी जैसा इसको बनाना है। तो अभी कढ़ाई गर्म है तो इसी तरह से हम इसको 2 मिनट के लिए और चलाते रहेंगे। तो इस तरह से इसको चलाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए इसमें सारे जो झाग हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर वाला ये बन गया है। तो अभी हम इसको इसी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने पर भी हमें इसको इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा चलाते रहना है, क्योंकि अभी ये गर्म है तो थोड़ा सा इसके ऊपर मलाई जम सकती है। तो बीच बीच में इस तरह से हम इसको हर एक मिनट में 2 मिनट में इसको हिलाते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि 10 से 15 मिनट में ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर वाला ये कंडेंस मिल्क बना हुआ है। तो ये देखिए ये कंडेंस मिल्क बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत ही क्रीमी बनी है, एकदम क्रीमी कंसिस्टेंसी का ये कंडेंस मिल्क बना है, जो बिल्कुल मार्केट में मिलता है वैसा ही। तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल देते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको बाउल में निकाल दिया है। तो आप इसको स्टोर करने के लिए किसी भी कंटेनर में भर के आप इसको फ्रिज में 1 से 2 महीने तक खा सकते हैं, यानी कि 1 से 2 महीने तक आप इसको यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। बट इसको बाहर नहीं रखना है, फ्रिज में ही रख के यूज करना है। तो आप भी एक बार इस तरह से अपने घर पर कंडेंस मिल्क जरूर ट्राई करके देखें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।